बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फोटॉनिक्स। आज हमारे पास एक डिजिटल आयरन आई है जो कि स्टीम की फैसिलिटी भी है इसके अंदर, और डिजिटल पैनल लगा हुआ है जहाँ पे इसका टेम्परेचर आता है, बाकी सेटिंग्स होती हैं। और इसका प्रॉब्लम ये है कि ये गर्म नहीं हो रही, हीटर इसका काम नहीं कर रहा, हीटिंग एलिमेंट। तो आज इसको हम ओपन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसको प्लग इन करके देखते हैं वॉल आउटलेट के अंदर, और देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम इसका किस तरह से आ रहा है, और फिर हम इसको डिसमेंटल करना स्टार्ट करेंगे। ये हम इसको सॉकेट में लगा दिया है, और यहाँ से अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो टेम्परेचर इसका बढ़ नहीं रहा है। ये हीटअप नहीं हो रही, फाइव सिक्स तक हम लेके जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इसका बढ़ नहीं रहा। ये शो तो हो रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, शो हो रहा है कि ये गर्म हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो बिल्कुल ठंडा है। तो इसको सॉकेट से उतार लेते हैं, और उतारने के बाद सबसे पहले हमने इसकी जो एक्सेस बनानी है वो यहाँ तक हमने इसके हीटिंग एलिमेंट तक पहुँचना है, और हीटिंग एलिमेंट तक पहुँचने के लिए हमें इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से खोलना पड़ेगा। किसी भी स्टीम आयरन को आप जब खोलेंगे तो सबसे पहले आप ये वाला पार्ट उसका रिमूव करें, फिर उसका ये वाला पार्ट रिमूव करेंगे। तो ये जब पार्ट रिमूव करेंगे तो इसके अंदर आपको स्क्रू मिलेंगे जो इसकी बॉडी को रिमूव करने के लिए आसानी होगी, रिमूव करने में आपको हेल्प मिलेगी। और जब ये वाला जो पार्ट है आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको स्क्रू मिलेंगे, लेकिन ये जो ऊपर है इसके कवर है इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ जो बटन है इसको भी रिमूव निकालना होगा। तो हम सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं कि ये कुछ ब्लैंकिंग है, ये ब्लैंकिंग निकाल लेते हैं। हम ब्लैंक निकालेंगे तो नीचे स्क्रू मिलेंगे हमें। ये देख लें नीचे इसके स्क्रू है, यहाँ पे हम ये स्क्रू नॉर्मल नहीं है, कट स्क्रू नहीं है, ये इसके लिए एलन की यूज़ होगी। अगर आपके पास वॉच मेकर सेट हो तो उसमें सूटेबल ड्राइवर इसका स्क्रू ड्राइवर मिल जाएगा, तो इसे हम इसको निकाल सकते हैं इजीली। सबसे पहले ये रिमूव करने के बाद आप इसको उठा लें, इसको हाथ से पकड़ के निकालेंगे तो ये निकल आएगा आराम से। इसके नीचे स्क्रू होगा, ये देखें नज़र आ रहा है स्क्रू है, और ये फिलिप टाइप स्क्रू है, एस पी जिसे कहते हैं, तो इसको हम खोलते हैं इसके साथ। ये स्क्रू खुल चुका है, आगे ये मेटालिक पीस है तो ये आराम से निकल रहा है। इसको पहले हमने लूज़ कर दिया था, ये इसको कोई सोल्यूशन वगैरह लगा हुआ था, उन्हें पहले से लूज़ किया हुआ था, तो इसलिए आराम से निकल गए। हमने इसको झटके से खोला है तो ये पाइप निकल गया है, लेकिन कोई मसला नहीं है, दोबारा लग जाएगा आराम से। ये पाइप है ऊपर वाला जो है, यहाँ से इसकी नोज़ल बनी हुई है, यहाँ से स्प्रे करने के लिए ये जो बटन है नीचे इसके है उंगली के नीचे, उससे ये फ्रंट की तरफ स्प्रे करता है।
तो इसके बाद दूसरा पाइप भी निकालना पड़ेगा। ये पाइप हमने रिमूव कर लिया। इसके स्क्रू निकलेंगे। ये जब स्क्रू निकलेंगे तो उसके बाद यहाँ से ये पूरा पीस जो है ऐसे निकल कर बाहर आ जाएगा। और उससे हमें ये फ़ायदा है कि इस के ऊपर जो स्क्रू है इसको भी हम खोलने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि ये स्क्रू जब नहीं खुलेगा तो ये वाला पार्ट जो है इसका ये रिमूव नहीं हो सकता। तो अभी हमारे पास तीन स्क्रू बचे हुए हैं, एक इसके ये फ्रंट में यहाँ पे ये दो स्क्रू हैं, और ये इसकी जो नॉब है उसके ऊपर स्क्रू लगा हुआ है, ये रिमूव करने हैं। अब ये वाला स्क्रू रिमूव होगा इसका। ये स्क्रू ज़्यादा नीचे तक नहीं है, लिहाजा इसको हम वापस लगा देते हैं। ये स्क्रू हमने वापस लगा दिया जो इसके थर्मोस्टेट का है। बाज़ात ऐसा होता है कि स्टीम आयरन का ये वाला स्क्रू जो है वो नीचे वाली बेसमेंट के साथ कनेक्ट अप होता है, तो इसलिए इसको निकालना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है तो इसलिए हमने इसको वापस लगा दिया। अब ये वाली केसिंग इसकी रिमूव हो सकती है ईज़िली, इसको रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ पर पीछे दो स्क्रू और हैं, पहले उनको भी निकालना पड़ेगा। ये स्क्रू रिमूव हो चुके हैं, और ये देखें ये आसानी से इसका जो ऊपर वाला प्लास्टिक वाली केसिंग है वो रिमूव हो गई है। लेकिन अभी भी हीटिंग एलिमेंट तक हमारी एक्सेस नहीं है, इसमें तीन स्क्रू और हैं। ये स्क्रू अगर निकल जाएंगे तो हीटिंग एलिमेंट तक हम जा सकते हैं। ये स्क्रू हमने रिमूव कर दिए, बैक साइड वाले दो स्क्रू हैं, और ये आगे वाला स्क्रू है वो भी हटा दिए, और ये पाइप भी निकाल दिए। अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ हम पहुँच के इसके हीटिंग एलिमेंट तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, ये दो टर्मिनल हैं, ये एलिमेंट के दो टर्मिनल हैं। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेंगे, ये 50 के अंदर अंदर होनी चाहिए, 50 ओम के अंदर अंदर आनी चाहिए। अगर ये आती है डिपेंडिंग अपॉन के इस्त्री जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वाटेज क्या है, तो अगर 50 ओम से नीचे नीचे आती है तो ये ठीक होगा, और फिर हम देखेंगे कि इसका फ्यूज़ तो नहीं उड़ा हुआ, वो हम वेरीफाई करेंगे। ये मीटर हमने लगा दिया, दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। ये 27 ओम तक आ रहा है, 30 ओम, 28 ओम। तो इसकी रेजिस्टेंस अगर 30 ओम तक हो या उससे नीचे हो तो ये इसका मतलब है 2200 वाट से 2400 वाट की इस्त्री है। अगर ये 50 के करीब हो यानी 45 से ऊपर तो ये 1000 वाट की होगी। तो ये हमारे पास जो इस्त्री है ये 24 या 22000 वाट की इस्त्री है, और इसका हीटिंग एलिमेंट बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी, हम कंटिन्यूटी पे आएंगे और देखते हैं कि ये दोनों वायर जो हैं आगे जा रही हैं कि नहीं जा रही। इस वायर में यहाँ पर ये स्लीव लगी हुई है, तो यहाँ पर कोई थर्मल रेजिस्टेंस होगी, तो ये वाली इधर कुछ महसूस हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे कनेक्टिविटी इसकी चेक करेंगे कि इसकी कनेक्टिविटी यहाँ तक आ रही है कि नहीं आ रही। इसका ये अंदर यहाँ पे कनेक्शन है, और इसके साथ ये आराम से हम लगा सकते हैं। ये उसको बिल्कुल टच कर रहा है अभी मेटल को,
अब इसको यहाँ पे शार्ट देना चाहिए तो नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि दरमियान में ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, ये जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस लगी हुई उड़ी हुई है, तो इसको हम शार्ट करेंगे। एक सेफ्टी रिमूव करनी होगी, उसको हम शार्ट करेंगे तो ये इंशाल्लाह ये चलना शुरू हो जाएगी। इसको हम यहाँ से निकालते हैं, इस स्लीव को आगे करेंगे और इसे बनाएंगे किसी तरीके से। ये देखें, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। तो अभी हम इसके टर्मिनल भी अवेलेबल हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। अब हमने ये देखें, मीटर की आवाज़ आ रही है, 0 ओम पे शो कर रहा है, आवाज़ भी आ रही है। तो यहाँ पे इसको आना चाहिए, शार्ट शो करना चाहिए, नहीं कर रहा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके टर्मिनल आपस में ट्विस्ट कर लेते हैं यहीं पे। इसको हम तोड़ेंगे, ये तोड़ के बीच में से निकाल देंगे, ये निकल गया। और इस सिंपली जो है इसको हम यहाँ पे ट्विस्ट ज़रा ज़्यादा करना है, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो स्पार्क ना बने। तो ये लॉन्ग नोज प्लायर के साथ हम इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट करेंगे। वापस स्लीव इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, क्योंकि स्लीव अगर नहीं चढ़ेगी तो शार्ट हो सकता है। तो अब हम इसको बंद करना शुरू करेंगे। जो सबसे लास्ट में चीज़ हमने निकाली थी उसको सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, ये वाला कवर था। तो इस कवर को हम फिट करेंगे, वो 3 स्क्रू इसके अंदर लगाएंगे। इसके बाद हम नीचे वाला पाइप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से निकाला था तो ये पाइप फिट हो गया। और ये प्लास्टिक वाला कवर इसको उसके ऊपर फिट आ जाएगा। इसे फ्रंट वाला स्क्रू हमने लगा दिए, बैक वाला स्क्रू लगाएंगे। ये वाले 2 स्क्रू भी हमने इंस्टॉल कर दिए। अब हम इसका हैंडल इंस्टॉल करेंगे, हैंडल का नीचे वाला पार्ट, बैक स्क्रूज, अब ये सारा इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको वापस अपनी जगह पर बिठाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्रोसेस रिपीट करना है जिस तरतीब से आप आगे गए थे, वापस रिवर्स में आना है। जो चीज़ सबसे आखिर में निकाली है उसको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से सही तरीके से आप बंद कर पाएंगे। ये बंद हो चुका है, अभी ये आखिरी स्क्रू जो बैक प्लेट को छोड़ के है, इसको हम वापस
इंस्टॉल कर रहे हैं। एक चीज़ हमसे मिस हो गई, ये वाशर, इस वाशर को हम ये खोल के दोबारा लगा देते हैं। ये वाशर यहाँ पे लग रही है, हम इसको लगा के दोबारा बंद कर देंगे। ये दोबारा लगा दिया, उसमें स्क्रू भी टाइट हो चुका है, तो अभी हम ये बटन लगाएंगे। इसका स्प्रे वाली साइड आगे होनी चाहिए और सिंपली इसको प्रेस करना है तो ये बैठ जाएगा इसके अंदर। ये बैठ चुका है यहाँ पर, लीक करेगा। अब हम इसका बैक कवर लगा देंगे। बंद हो चुकी है और अभी हम इसको प्लग इन करके देखेंगे कि ये हीट अप हो रही कि नहीं हो रही। ये और ये हीट अप हो रही है क्योंकि यहाँ पे अभी हीट अप हो रही है, एकदम से लाइट डिम हुई थी। जब ये रेड में आती है तो उस वक्त ये हीट अप हो रही होती है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये काफ़ी हीट अप हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आपके पास ऐसी कोई इस्त्री हो, आयरन हो, स्टीम आयरन, और वो हीट करना छोड़ दे तो उसको आप खोल के देखें। अगर तो उसका हीटिंग एलिमेंट ही ख़राब हो तो फिर तो उस पर कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हीटिंग एलिमेंट ठीक है तो फिर उसके फ्यूज़ की तरफ जाएँ तो आपके बचत हो सकती है, आपको नई इस्त्री लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।